Like, share, subscribe आप कर दीजिएगा अगर आपने ना किया हो। फटाफट से बताओ। Dyslexia is a dash condition. कैसी condition है? Physiological, शरीर दिखता थोड़ी है कि मान लीजिए मुझे डिस्लेक्सिया है आप देख के बता ही नहीं पाएंगे तो फिजियोलॉजिकल थोड़ी है कि कहीं शरीर में कहीं कुछ दिक्कत होगी तब है। नहीं ईशान अवस्थी अगर आपने देखा हो मूवी में तो कहीं दिखता थोड़ी है कि ईशान अवस्थी के चेहरे पे लिखा है कि ही होगा पूरे स्कूल में नहीं पता पर, लग पाया अंत में जाके आमिर खान पता लगा रहे हैं तो के बच्चे को दिक्कत है वो देख के पता ही नहीं लगती फिजियोलॉजिकल शरीर में थोड़ी कहीं लिखा है सोशलाइज करने में वो आर्टिस्टिक बच्चे को होती है डिसलेक्सिया वाले बच्चों को सोशलाइजेशन में सच बहुत बड़ी समस्या होगी जरूरी नहीं है सेंसरी भी नहीं है कि कोई सेंसिस की दिक्कत है दिखने में दिक्कत है या कुछ ऐसा भी नहीं है तो ये भी गलत हो गया नहीं न्यूरोलॉजिकल यानी डिफरेंट होती है बाकी और कोई दिक्कत नहीं है इनको तो हो सकता है आपको एक किसी और तरह से दिखता हो इनको वो शब्द उल्टे पुलटे दिखते हो है ना तो ये तंत्र के तंत्र की, है, की है या न्यूरोलॉजिकल और ध्वनियों को प्रतीकों प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने की दिक्कत है कि वो जी ओ डी गॉड तो जोड़ के नहीं पढ़ पाता उसको दिक्कत होती है साउंड को कि गॉड की साउंड किससे कैसे रिलेट होके फिर क्या शब्द बनेगा इसमें उसको समस्या होती है यानी फोनेमिक अवेयरनेस कहते हैं इसको तो फोनेमिक अवेयरनेस में फोनिम होते हैं ना साउंड को जब हम जोड़ते हैं स, आ, अक्षर के साथ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिएगा फटाफट से सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या कहता है भाई है यानी अभिगथन है किस बारे में इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम शुड बी मेड इन लर्निंग गोल्स पैडागोजिकल स्ट्रेटेजी एज वेल एज असेसमेंट यानी एक समावेशी शिक्षा जहां हर बच्चे को इंक्लूड करना है तो हमें हमेंटेशन लाने चाहिए हमें चेंजेस लाने चाहिए सिस्टम में किस चीज के लिए पेडगॉजिकल स्ट्रेटेजी में यानी हमारे जो गोल्स होंगे हर बच्चे के लिए अलग हो सकते हैं जरूरी थोड़ी सबसे सेम एक्सपेक्टेशन हम कहेंगे सबको फर्स्ट ही आना है हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करता हो तो लर्निंग गोल्स डिफरेंट होंगे अडेप्टेशन होनी चाहिए पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज यानी पढ़ाने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं मैथड के आकलन के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं बिल्कुल सही बात है पॉजिटिव है रीजन क्या है इसका द फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एडवोकेट्स एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेज थ्रू पैडोलॉजिकलोचेज एंड असेसमेंट क्योंकि समावेशन शिक्षा ये कहती है कि जो फिलोसफी है समावेशन शिक्षा की कि आप क्या कीजिए कि इंडिविजुअल डिफ्रेंसेस को एलिमिनेट कर दीजिए इंडिविजुअल डिफरेंसेज क्या होते हैं व्यक्तिगत विविधता कि एक बच्चा है जो देख के सीखता है दूसरा बच्चा है जो सुन के सीखता है या एक बच्चा है जिसको देखने में दिक्कत है तो उसको अलग भेज दो यानी खत्म कर दो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बचे ही ना सब रोबोट्स बन जाएंगे फिर तो तो ये गलत बात हो गई ये नेगेटिव बात है फॉल्स है ये बात ऐसा नहीं कहती इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन ये थोड़ी कहती है बच्चे के इंडिविजुअल डिफ्रेंसिस को खत्म कर दो इंक्लूसिव एजुकेशन तो उल्टा कह रही है कि सिस्टम में चेंज लाओ आप सिस्टम में अडेप्टेशन लाओ सिस्टम में मॉडिफिकेशन करो ना कि बच्चे में चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड बच्चे में चेंज नहीं होगा बच्चा सिस्टम के लिए थोड़ी बनाया गया है कि माँ बाप ने प्लान किया हम बच्चा बना रहे हैं स्कूल में जाने के लिए वो बात अलग है कि, कि सिस्टम बन चुका है ठीक है ज्यादातर माँ बाप चाहते हैं लेकिन कुछ लोग आपको मिल जाएंगे ऐसे अभी भी जो जिसको बोलते हैं होम स्कूलिंग होम स्कूलिंग क्या है कॉन्सेप्ट है अपने आप में कि हम बच्चे को ही घर पे ही स्कूल कर रहे हैं अलग अलग चीजें सिखा रहे हैं उसको अलग अलग तरह की मे बी क्लासेस लगा दें माँ बाप खुद से उसको चीजें सिखाएं है ना तो अपने दोस्तों में खेल करके वो चीजें सीख रहा हो स्कूल ना जाता हो तो होम स्कूलिंग का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो सिस्टम के लिए बच्चा थोड़ी है बच्चे के लिए सिस्टम बनाया गया है तो सिस्टम में चेंज लाओ आप अगर आपके स्कूल में सीढ़ियां हैं एक बच्चा है जो क्रचेस से आता है या व्हील चेयर से आता है तो आप वहां पर रैंप बनवाइए या लिफ्ट बनवाइए बच्चा थोड़ी चेंज हो जाएगा बच्चे को तो जो दिक्कत है वो रहेगी तो चाइल्ड को नहीं चेंज करना है चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड तो ये तो कहेगा ही नहीं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हटा दो सब बच्चे एक जैसे हो जाएं ये तो कहेगा ही नहीं ऐसे थोड़ी होता है कि कोई किसी को कोई समस्या ही ना हो तब हम पढ़ाएंगे तो ए तो सही है बट आर सही नहीं है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एलिमिनेट कर दो ये बात गलत हो जाएगी क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखो प्रोवाइडिंग चॉइस एंड ऑप्शन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसिस बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट यानी बच्चे की रुचियों के बेसिस पे आप बच्चे को अनुभव प्रदान कर रहे हैं उसकी आवश्यकताओं को समझ रहे हैं विविधता डाइवर्सिटी अलग अलग बच्चों का इंटरेस्ट अलग अलग चीजों में हो सकता है उनके बैकग्राउंड को समझ रहे हैं ये जो प्रिंसिपल है कहां होगा इंक्लूसिव एजुकेशन में होगा ये तो आपको पता ही है लेबल लगाने पे सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है इससे ज्यादा नेगेटिव वर्ड जो है कोई और हो नहीं सकता कि पृथकीकरण कि दो बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता उनको अलग बिठा दिया आपने है ना उनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया उनको कह दिया कोई बच्चा जो फर्स्ट आता है मतलब आपने सेग्रीगेट कर दिया जबकि आपको इंक्लूड करना था सेग्रीगेशन जस्ट ऑपोजिट वर्ड है इंक्लूजन का काम्पिटिटिव तो इथोज नहीं होना चाहिए गला काट प्रतिस्पर्धा जो दुनिया में देखने को मिलती है वो कायदे में नहीं होनी चाहिए हर बच्चे की अपनी क्षमताएं हैं उनको निकाल करके लाना है आपको एक्सक्लूजन यानी अगेन कुछ एक्सक्लूड ही कर दिया कुछ बच्चों को अलग ही कर दिया इंक्लूजन इज द राइट वर्ड की आप बच्चे की एबिलिटी और सारी चीजों को समझते हुए सबको एक साथ सिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिएगा क्योंकि सब एक जैसे कैसे हो जाएंगे फिर तो रोबोट्स बन जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिएगा और जो समस्याएं हैं कुछ बच्चों के साथ तो वो धीरे धीरे ठीक होंगी हम ये थोड़ी कर सकते हैं अगर कोई फर्स्ट जनरेशन लर्नर है तो जिसके माँ बाप या पीढ़ियों में कोई नहीं पढ़ा है तो पहले उसके माँ बाप को पढ़ाएं जाकर के फिर बच्चे को पढ़ाएंगे ये तो हो नहीं सकता तो हर तरह का बच्चा होगा फिर और हर तरह का बच्चा सीख सकता है वो आपको देखना कैसे सिखाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रमोट कल्चरल सेंसिटिविटी इन क्लास यानी निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता यानी कल्चरल सेंसिटिविटी क्या एक बच्चा है जो किसी और कल्चर से आता है दूसरा बच्चा है अलग उसके घर में कोई और त्यौहार या कपड़ा पहनावा पहना जाता है तो कौन सा तरीका सही नहीं है नेगेटिव ढूंढना है नॉट जो सही नहीं है वही सही होगा यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिफरेंट कल्चर्स अलग अलग संस्कृतियों के आप एक्टिविटीज कराइए त्यौहार अलग अलग सेलिब्रेट हो रहे हैं स्कूल में एक्टिविटीज हो रही हैं सही है एनकरेजिंग शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस बाय स्टूडेंट्स अबाउट देयर कल्चर अपने कल्चर के बारे में बच्चे अपने एक्सपीरियंस शेयर करें सब मिलजुल करके रहें सही है सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स ऑफ डोमिनेंट कल्चर्स ओनली यही गड़बड़ हो जाएगी कि सिर्फ जो डोमिनेंट कल्चर है मान लीजिए उस एरिया में आ, जो भी कल्चर है मान लीजिए अगर साउथ में कुछ आ, कोई एक त्यौहार चलता है तो आप सिर्फ वही त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली नहीं कर रहे हैं या कुछ और नहीं कर रहे हैं दिवाली तो होती है वहाँ पे भी तो ये गड़बड़ हो जाएगी या एक एरिया में स्कूल है जहां पे मान लीजिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम की अगर हम बात करें या फिर किसी और सिख की बात करें जैनिज्म की बात करें अलग अलग रिलीजन है मान लीजिए तो जो, जो वहां पे बच्चे जिस रिलीजन के या जिस बैकग्राउंड के ज्यादा आ रहे हैं उन्हीं के त्यौहार को आप सिर्फ सेलिब्रेट करा रहे हैं बाकी जो बच्चे हैं उनको नहीं करा रहे हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगा है ना जैसे केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मनाना अब मैं खुद से ईद सेलिब्रेट नहीं करती हूँ बट ईद आती है तो मैं पोस्टर बिल्कुल डालूंगी स्टोरी लगाती हूँ मैं है ना या जितने भी त्यौहार तो पे जो भी पॉसिबल होता है जितना याद रहता है जितना हमारी अवेयरनेस में है हम शेयर करते हैं ठीक क्या रीजन है उसका यही है कि सिर्फ मतलब हर तरह के बच्चे हैं ना जो हमसे जुड़े हुए हैं देश भर से तो अगर कभी भूल जाओ तो आप लोग कॉमेंट कर देते हैं कि मैम आपने तो फलाने त्यौहार पर तो, तो लगाई नहीं थी तो सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स ऑफ डोमिनेंट कल्चर ओनली ये गलत है एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग डाइवर्स बैकग्राउंड ऑफ आप तो सोचिए इतने बड़े तब्बुरा मान जाते हैं बच्चे तो छोटे हैं तो वो तो फिर उनके दिमाग में तो गलत ही जाएंगी चीजें हर विद्यार्थी कि विविध पृष्ठभूमि को स्वीकार करना व सम्मान देना ये बात ठीक है लेकिन सिर्फ डोमिनेंट कल्चर के फेस्टिवल अगर सेलिब्रेट होंगे स्कूल में तो वो अच्छी बात नहीं मानी जाएगी वो कल्चरल सेंसिटिविटी की बात नहीं है क्वेश्चन नंबर देखिएगा चैलेंजेस इन रीडिंग टेक्स एंड कॉम्प्रीहेंडिंग लॉन्ग पैसेजेस इज अ चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स विद डैश पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो डैश से जूझ रहे हैं यानी चैप्टर पढ़ने में भी दिक्कत है पढ़ के समझने में भी दिक्कत है अगर कोई लंबा या बड़ा चैप्टर है तो या पैसेज है मान लीजिए पढ़ के समझने में और पढ़ने में भी दिक्कत है तो डिस्लेक्सिया यहां पे डिसेजिया भी हो सकता था क्योंकि लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करने में डिस्फेजिया में भी दिक्कत होती है लेकिन पढ़ने की बात जब भी आ जाएगी तो आप डिसलेक्सिया तो मान के ही चलिए है ना रीडिंग डिसऑर्डर है ये पठन संबंधी विकार डिस्कैलकुलर गणित से हियरिंग इंपेयरमेंट सुनने में दिक्कत है डिस्ग्राफिया लिखने से चलिए खैर बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फटाफट से बताएंगे विच ऑफ द फॉल विच ऑफ द लर्निंग मटीरियल्स इज नॉट सुटेबल क्या पूछा है नॉट सुबल सुटेबल नहीं है फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इंपेयरमेंट यानी उन बच्चों के लिए जो श्रवण बाधित बच्चे हैं जिनको सुनने में दिक्कत है मान लीजिए मैं कुछ बोल रही हूं और उनकी हियरिंग एबिलिटी कम है या ठीक से नहीं सुन पाते हैं तो उन बच्चों के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है फटाफट से बताइए रिंकी गुड इवनिंग प्रतिमा बताइए ऑडियो बुक्स मुझे सुनने में ही दिक्कत है और मुझे सुना के ही आप बात कह रहे हो मतलब जिस तरीके से मुझे समझने में दिक्कत है उसी तरीके का अगर टीचर यूज़ करेगा तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो गई भाई मुझे सुनने में ही तो दिक्कत है और आप कह रहे हो ये गाना सुन लो और सुनने की ही दिक्कत है मुझे दिखा दो कहीं पिक्चर दिखा दो उसकी कोई लिरिक्स पढ़वा दो है ना कुछ और तरीका अपनाओ कोई प्रिंटेड मटेरियल ले आओ या फिर मेरे लिए हियरिंग एड लेके आओ कि मैं सुन नहीं सकती या सुनने में दिक्कत है तो कोई मशीन सुनने की लेकिन ऑडियो बुक्स से थोड़ी ना सॉल्यूशन निकलेगा जब सुनने में ही दिक्कत है तो ये तो नॉट यानी यही गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था प्रिंटेड बुक्स हाँ प्रिंटेड बुक्स तो वो बच्चा जिसको देखने में जिसको सुनने में दिक्कत है वो देख तो सकता ही है यही प्रिंटेड बुक्स नेगेटिव हो जाती है एक विजुअली चैलेंज बच्चे के लिए जिसको देखने में दिक्कत है उसको दिक्कत है उसको अगर आप प्रिंटेड uh, बुक दिखाओगे तो उसको तो देखने में पहले दिक्कत है उसको तो आप सुनाओ फिर या बाकी टेक्सटाइल मटीरियल यूज करो तो प्रिंटेड बुक्स हाँ दिखा सकते हो आप वीडियोस दिखा सकते हो सब के साथ के सुन ठीक से नहीं पा रहा है तो पढ़ ले एटलीस्ट है ना देख करके समझ ले जो सब टाइटल्स के साथ देख करके बड़े हुए हैं क्योंकि आप तो फिर भी आ जाती है समझ में पहले तो बिल्कुल नहीं आती थी और मैं तो पढ़ी हूँ अच्छे खासे दसवीं तक लगभग हिंदी मीडियम में तो बिल्कुल ही और वैसे भी हम सब हिंदी भाषी लोग हैं बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है जो इंग्लिश मीडियम में भी बेशक पढ़े हो तो और आज भी मज़ा तो आता है सब टाइटल्स मिल ही जाए तो अच्छा है यार क्योंकि एक्सेंट अलग है अगर कोई अमेरिकन कोई सीरीज है या मूवी है वो उनका एक्सेंट अलग है ब्रिटिश अलग होगा तो ये क्या है सब टाइटल्स हेल्प करते हैं कि अगर सुन के नहीं समझ पा रहे हैं तो देख लें एटलीस्ट ठीक थ्री डायमेंशनल चार्ट एंड मैप्स थ्री डी मैप्स उनमें भी देख करके टच करके समझ पाएगा बच्चा लेकिन ऑडियो बुक्स नेगेटिव है जो नेगेटिव है वही सही है यहाँ पे क्योंकि पूछा ही नेगेटिव था या गलत था जो गलत है वही सही है इसलिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन देखिएगा वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड आर टीचर आस्क इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई क्रिएटिव चिल्ड्रन इन हर क्लास यानी आपको पहचानना है कि बच्चे क्रिएटिव बच्चे क्रिएटिव बच्चे मतलब कुछ नया बनाए जो एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए कि बच्चा क्रिएटिव है कि नहीं कुछ नया सोच पाता है कि नहीं ओपन एंडेड प्रश्न और डीसी साथ जाता है सीसी नहीं डीसी बोले तो डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन दिशाओं में सोचना ओपन एंडेड वे में सोचना आपको ऐसे लिखने को कहा गया ओपन एंडेड होगा वो एक सिंगल जवाब में आप सही और गलत नहीं कह सकते फिलिंदा ब्लैंक क्या है ओपन एंडेड नहीं है क्लोज एंडेड है जबकि आपको बच्चे को अगर थिंकिंग उसकी क्रिटिकल थिंकिंग हो या थिंकिंग पे आपको फोकस कराना है तो ओपन एंडेड सोच पे आप फोकस कराइए ठीक है ना फिलिंद ब्लैंक तो क्लोज एंडेड हो गया क्रिएटिविटी में कुछ नया कहां से निकाल के लाएगा बच्चा क्लोज एंडेड अब जैसे चार ऑप्शन है एक चूज करना है आप क्या नया बना देंगे इसमें कुछ नया थोड़ी बना देंगे आंसर तो यही है तो ये क्लोज एंडेड हो गया ये क्रिएटिविटी के बारे में नहीं है मल्टीपल चॉइस क्लोज एंडेड हो गया विद राइट एंड रॉन्ग एंडेड है जबकि आपको ओपन एंडेड चाहिए ओपन एंडेड पता लगेगा बच्चा कुछ नया सोच पा रहा है या नहीं तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर और डाइवर्जेंट थिंकिंग थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स ये सब जुड़े हुए ब्रेन स्टॉमिंग क्रिएटिविटी से रचनात्मकता से ये सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा समझते हैं कहानी क्या है क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भाई हार्दिक हैज लो विजन हार्दिक एक बच्चा है जिसको ठीक से दिखाई नहीं देता बिल्कुल सिक्स बाय सिक्स नहीं है उसका जो विजन है चश्मा लगा हो सकता है और चश्मे से भी ज्यादा लो विजन हो सकता है बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है देखने में मतलब कुल मिला के जो नॉर्मल विजन है उससे कम है ठीक है ना अगर हम देखें हार्दिक को कम दिखाई देता है आम भाषा में हम ऐसे कह रहे हैं अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया है टीचर को पता ही नहीं कि उसको कम दिखाई देता है कक्षा में अध्यापक को उसकी किस व्यवहार क्रिया से पता चल सकता है कि उसे कम दिखाई देता है या उसका विजन जो है वो लो है बच्चे के आपको क्यों पढ़ रहे हैं हम इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों हम पढ़ रहे हैं विजुअली इंपेयर्ड बच्चा क्यों हम पढ़ रहे हैं ऑटिज्म के बारे में ताकि हम कल को क्लासरूम में अगर कोई बच्चा है और बच्चे को भी नहीं पता बच्चे के पेरेंट्स को भी नहीं पता या आपको तो पता हो कम से कम लक्षणों से पहचान लेंगे आप बच्चे के एक बच्चा है जिसकी राइटिंग बिल्कुल समझ नहीं आती है इन इलिजिबल है तो आप समझ पाएंगे भाई इसको डिस्ग्राफिया हो सकता है तो इसीलिए तो ये सब पढ़ रहे हैं हम ताकि आप बच्चे के बारे में कई लोगों को तो लगता है पेडोलॉजी पढ़ते ही क्यों है चाइल्ड डेवलपमेंट की क्या जरूरत है साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं हम है ना तो भाई बच्चे को समझना है आपको अब बच्चे के मनोविज्ञान को भी समझना है उसके that he, that he कैसे? पता लगेगा। अगर नहीं बताया गया है तो स्क्विंटिंग ऑफ आईज माइल रीडिंग पढ़ने के दौरान आंखें मिच मिचाना मतलब खोल रहा है बंद कर रहा है बच्चा कभी खड़े होके ऐसे देखेगा एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था ना कि वो इधर उधर स्क्विंटिंग uh, हो रही है मतलब स्क्विंटिंग कर रहा है यानी आंखें खोल रहा है बंद कर रहा है या फिर वो uh, कई बार आंखें रगड़ रहा है लाल हो जा रही है आंखें तो क्या दिक्कत है उसको और फिर समझ नहीं पा रहा है देख करके तो जरूरी नहीं है उसको समझ नहीं पा रहा है देख करके तो डिस्लेक्सिया हो गया कि पढ़ के नहीं समझा अगर इतने सारे लक्षण है कि बच्चा है जो आगे आकर के बार बार कुछ बच्चे होते तो हैं ना आगे बैठ जाते हैं पीछे से दिख नहीं रहा तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चे को समस्या हो कोई आई टेस्ट कराने की जरूरत पड़ जाए तो लो विज़न के लिए स्क्विंटिंग ऑफ आइज वाइल रीडिंग के बार बार बच्चे जो हैं आंखें जो हैं क्या ब्लिंक करते हैं हमारे एक ट्यूशन टीचर थे उनको याद है बहुत अच्छे टीचर थे है ना डॉक्टर देवकी नंदन भट्ट सर इंग्लिश पढ़ाते थे कुछ टाइम के लिए होता है ना इंग्लिश पढ़ते हो आप फिर मेरा मीडियम भी चेंज हुआ था तो मैंने लिया था उनसे ट्यूशन बहुत अच्छे मतलब अंग्रेजी में, में नंबर भी अच्छा है क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा से पढ़ाया अभी तो अब वो उनको लगता था कि मैं शायद ब्लिंक करती करती हूँ बहुत बार उन्होंने तो कहा मेरे को एक बार टेस्ट कराना हालांकि मैंने टेस्ट तो पता नहीं कितनी बार कराया जीवन में कभी आई टेस्ट में कुछ आता ही नहीं है यह चश्मा लाइट की वजह से कई लोगों को लगता है मेरा नंबर है नंबर नहीं है तो नंबर होना कोई बुरी बात नहीं है खैर स्क्विंटिंग ऑफ रीडिंग तो आपको दिख रहा है बच्चा बार बार आंखें बंद कर रहा है तो हो सकता है उसको देखने में दिक्कत हो विजन की प्रॉब्लम हो तो आप आई टेस्ट जो है करा सकते हैं कोई कह रहा है डॉक्टर्स को डिस्ग्राफिया होता है हाँ मजाक में कह सकते हैं हम वैसे नहीं होता है उन्हें स्टैंडिंग फार अवे फ्रॉम दी ब्लैक बोर्ड टू रीड इट क्लियरली के दूर जाकर के देख रहा है तो फिर तो विजन में दिक्कत नहीं होगी दूर से दिख पा रहा है तो कंप्लीटिंग वर्कशीट्स विद फाइन प्रिंट क्विकली छोटी छोटी बारीक बिल्कुल अक्षरों में लिखी हुई चीजों को भी पढ़ पा रहा है तो भैया ठीक है फिर तो देखने में दिक्कत कहां है रीडिंग फिजिकल मैप्स विच हैं उनमें छोटा छोटा लिखा होता है उसको भी पढ़ पा रहे तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है ये है दिक्कत के आंखों को रगड़ना लाल हो जाना आंखों का उठना बार बार एक जगह से दूसरी जगह कोशिश करना पढ़ने की है ना या इस तरह की चीजें ब्लिंक करना आंखों को चलिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखिएगा अ टीचर कैन क्रिएट अन्ड्यूसिव क्लासरूम एनवायरमेंट फॉर लर्नर्स विद डिसेबिलिटी बाय यानी एक टीचर जो है दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अधिगम के लिए कैसे एक अच्छा परिवेश बना सकते हैं कॉन्ड्यूसिव मतलब समृद्ध वातावरण जो आगे बढ़ावा दे बच्चे को आगे बढ़ने के लिए तो फॉर लर्नर्स विद डिसेबिलिटी बाय कैसे बताइएगा ंग एक्सपेटेशन दैट दे फॉलो रिजिट करम रिजिट तो अपने आप में वर्ड ही खराब है फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमको जहां चेंजेस संभव हो फ्लेक्सिबल हो हम कहते हैं ना वो पेड़ जो झुकता नहीं है टूट जाता है ऑल टाइप की बातें यानी लचीलापन चाहिए जो चेंज हो सके समय के साथ वो बना रहेगा ठीक तो रिजिट तो करिकुलम नहीं चाहिए हमें चेंज हो सके जिसमें टेकिंग ऑल डिसीजन फॉर देम बच्चे के लिए खुद ही डिसीजन ले लो बच्चे को मौका ही मत दो ये भी गलत है एंश्योरिंग दैट दे आर असैड थ्रू स्टैंडर्डाइज असेसमेंट अगर डिसेबिलिटी वाला बच्चा है तो उसके लिए स्टैंडर्डाइज असेसमेंट काम नहीं आएगा क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना पड़ेगा मेकिंग रीजनेबल एंड अप्रोप्रिएट करिकुलर एकोमोडेशन आप अपनी पाठ्यचर्या में जैसी जरूरत हो चेंजेस लाइए कि एक बच्चा जो व्हील पे आता है उसको भी आप गेम्स के पीरियड में इन्वॉल्व कर सकें ठीक है ना चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी आपका स्टेटमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन है फटाफट से आप पढ़ के बताएंगे हमारे टाइपिस्ट जिन्हें स्टेटमेंट को भी इस रीजन को भी स्टेटमेंट ही टाइप कर दिया या हो सकता है क्वेश्चन में गड़बड़ हो फटाफट से बताओ स्टेटमेंट क्या है या आजर्शन क्या है कथन है इंक्लूसिव एजुकेशन डज नॉट इंक्लूड चिल्ड्रन विद गिफ्टेडनेस गिफ्टेडनेस वाले बच्चे क्या है जिनका आई क्यू मोर देन वन फोर्टी वन थर्टी ऐसे है टर्मन के अकॉर्डिंग वन फोर्टी प्लस नहीं तो नॉर्मली अगर हम देखें एक सौ बीस एक सौ तीस प्लस आई क्यू है तो हम कहेंगे बच्चे का बच्चा गिफ्टेड है है ना और भी इसके बहुत सारे पैमाने होते हैं गिफ्टेडनेस के बच्चा ज़्यादा क्यूरियस होगा या जल्दी उसकी मेमोरी अच्छी होगी अपने से ज़्यादा बड़ी एज के लोगों से भी दोस्ती कर लेगा बहुत सारे फ़ीचर्स होते हैं गिफ्टेड बच्चों के और गिफ्टेडनेस तीन प्रकार की होती है बच्चा इंटेलेक्चुअली ब्राइट है यानी आई बहुत ज़्यादा है पढ़ने में बहुत अच्छा है तो वो हो गया गिफ्टेड दूसरा क्या टैलेंटेड है कोई बच्चा आप सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं कि पढ़ने में बहुत अच्छे ना रहे हो लेकिन टैलेंट तो है उनमें या कोई और व्यक्ति तो वो भी गिफ्टेड हो गए तीसरा हो सकता है क्रिएटिव बच्चा वो भी गिफ्टेडनेस की कैटेगरी में आता है कि कुछ नया बनाया एम एफ हुसैन कोई ऐसी पेंटिंग बनाई जो देखी ना हो पहले किसी ने ठीक तो गिफ्टेड बच्चे को समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली को नहीं एक्सेप्ट करती ये कहना तो गलत है ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया करते हैं भाई हर तरह का बच्चा आएगा नॉर्मल बच्चा भी और स्पेशल बच्चा भी चाहे वो गिफ्टेड हो चाहे उसको देखने में दिक्कत हो हर तरह का बच्चा इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल है इंक्लूसिव एजुकेशन फंक्शंस ऑन डेफिसिट डेफिसट ओनली ये कहना एकदम गलत होगा कि अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करती हैं यानी जिनको कोई डेफिसिट है कोई कमी है उन्हीं बच्चों को इंक्लूड करेंगे नहीं हर तरह के बच्चे को चाहे गिफ्टेड हो क्रिएटिव हो टैलेंटेड हो विजुअली इंपेयर्ड हो आ, कोई और लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो चलने फिरने में कुछ भी हो सकता है डिस्ग्राफिया हो लर्निंग डिसेबिलिटी हो हर तरह का बच्चा इंक्लूसिव एजुकेशन में आएगा एजुकेशन फॉर ऑल तभी कहा जाता है ये दोनों ही बातें गलत है बहुत मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने सही जवाब दिया इस बार बोथ ए एन आर आर फॉल्स एटी सिक्स परसेंट एटी सेवन परसेंट लोग सही जवाब दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन देखिएगा

मतलब नहीं कोई और समस्या डिसलेक्सिया है फॉर दैट मैटर या विजुअली इंपेयर्ड है देखने में समस्या है तो हर तरह के बच्चे को हमें इंक्लूड करना है तभी इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाएगी क्योंकि एजुकेशन फॉर ऑल है तो ये तो सही है ट्रू है सेकेंड क्या है इट इज अबाउट इन्श्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन वाइल रिमूविंग एक्सक्लूजन डिस्क्रिमिनेशन बैरियर्स टू लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन हर तरह के बच्चे को हम इसमें इंक्लूड कर पाए ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सक्लूसिव कुछ ही बच्चों को इंक्लूड करें एक्सक्लूजन को हटाना है चलो ठीक है

एक्सक्लूजन क्या है, है. कनेक्टेड प्रोसेस जो विजुअली इंपेयर्ड है और इंक्लूजन क्या है सारे बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं उस बच्चे को भी एक ही क्लास में आपने तो ये इंटर रिलेटेड हो गए इस तरह से समझना बहुत जरूरी नहीं तो एक्सक्लूजन नेगेटिव वर्ड है अपने आप में लेकिन इस केस में यहां ऐसे चलता है कि आपको स्पेशल ध्यान भी रखना पड़ेगा उन बच्चों को भी शामिल करना है जिनको कोई समस्या है और बाकी बच्चे भी और सब एक छत के नीचे सीख रहे हैं तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन इंटर रिलेटेड हो गए उस तरह से इंक्लूजन इज फोकस्ड ऑन दी करिकुलम फॉर अडेप्टिंगुलॉर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर डिसेबल्ड यानी इंक्लूजन का मतलब सिर्फ वो है कि जो डिसेबल्ड बच्चे उनको इंक्लूड करना तो ये तो गलत है हर तरह का बच्चा एबल हो डिसेबल हो जो भी है शुरुआत में हमने एबिलिटी डिसेबिलिटी की बात की थी हर एक बच्चा एक छत के नीचे पढ़ सकता है इंक्लूजन बेनिफिट्स ऑल स्टूडेंट्स बिल्कुल सही बात है है ना ऑल स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा इंक्लूजन इज अ प्रोसेस इन विच आई स्कूल टू रिस्पॉन्ड टू ऑल स्टूडेंट्स एज इंडिविजुअल्स यानी इंक्लूजन एक प्रोसेस है जिसमें हर एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल है और वो सीख सकता है तो एक ही बात गलत है जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है कि सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों के लिए होती है क्या नहीं तो सेकेंड ऑप्शन सही है